हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज आप एक नया हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर एक इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी एक इनकम डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो वो इनकम किसी ना किसी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो हेड क्या हो सकते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इनकम एग्जेम्प्ट है कि नहीं, राइट? और अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल होगी इधर ऑफ द फाइव हेड्स में। लेकिन पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन में तो टैक्सेबल नहीं है। इन केस नॉट, देन इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के दो सब सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन के दो सब सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। इसका सब सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, पता है क्या बोलता है? कहता है वो इनकम जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, प्रोवाइडेड वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर वो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई तो यहां टैक्सेबल हो जाएगी। यानी सेक्शन 56(1) में कोई एक लिस्ट ऑफ इनकम नहीं है जो ये बताए कि यहां पे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। जब भी आप किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ते थे तो जो उसका चार्जिंग सेक्शन होता था वो बताता था कि देखिए ये इनकम यहां पे टैक्सेबल होगी। ये ऐसा नहीं कहता। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर वो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, प्रोवाइडेड वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वो यहां टैक्सेबल हो जाएगी। हालांकि इसका एक सबसेक्शन 2 भी है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, वो कुछ इनकम को स्पेसिफाई करता है। कहता है कि ये इनकम, सोचिएगा भी नहीं, ये कहां टैक्सेबल होगी? सिर्फ अदर सोर्सेज में। वो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। कुल मिला के जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये समझाना चाहता हूं कि इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है ये भले ना बताए, लेकिन एक इनकम एग्जेम्प्ट है कि नहीं ये जरूर बताता है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक इनकम मैं बोलता हूं कि ये टैक्सेबल है तो आप मुझसे ये आर्ग्यू नहीं कर सकते, सर बताइए कौन से सेक्शन में लिखा है, कौन से सब सेक्शन में लिखा है कि ये इनकम टैक्सेबल है। लेकिन एक इनकम एग्जेम्प्ट है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये टैक्सेबल नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर बताइए कहां पे ये लिखा है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है। क्योंकि जो भी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम के तो न जाने कितने सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कितना गवर्नमेंट लिखेगी इनकम टैक्स एक्ट में कि ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है? मतलब विचित्र विचित्र तरीके की कमाई हो सकती है भाई। जैसे आपकी छत के ऊपर से एक चिड़िया जा रही थी, ठीक है, और उस चिड़िया के पैर में पता है 500 के नोट की गड्डी बंधी हुई थी। जिस समय वो एग्जैक्टली आपकी छत के ऊपर से थी, हवा तेज चलती है और वो गड्डी खुल जाती है, 500 की नोट आपकी छत पे बिखर जाते हैं पूरे और वो आपको मिल जाते हैं, तो मैं आपसे पहले पूछूंगा कि ये इनकम टैक्सेबल है? नहीं, ऐसा नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये इनकम एग्जेम्प्ट है? तो आप सोच के बताइए, आपने एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्या ऐसी कोई इनकम मैंने एग्जेम्प्ट बताई आपको? नहीं। अगर नहीं बताई तो इसका मतलब ये टैक्सेबल है। कहां पे? सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के तहत, क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन यही कहता है कि अगर एक इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं हुई तो यहां टैक्सेबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो एग्जेम्प्ट तो नहीं है ये। पता है एक दिन रात में क्या हुआ, एक स्मगलर था, वो आपके कॉलोनी में भाग रहा था पैसों का ब्रीफकेस लेके, और पुलिस उसका पीछा कर रही थी, पी 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 पी, राइट? और रात का अंधेरा था तो उसे लगता है, वो जो स्मगलर था उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं और ये नोट का बैग भी पुलिस पकड़ ले। तो उसने क्या किया, वो नोट का बैग अंधेरे में रात में फेंक देता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि भाई मैंने कहां फेंका है ताकि मैं सुबह आके यहां से बैग उठा लूंगा, कि अभी मैं पकड़ा भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जब निकलूंगा तो मैं वहां से बैग निकाल लूंगा अपना, राइट? वो पकड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन पता है वो बैग कहां फेंक के गया? आपके घर में, आपकी बालकनी में। उसने जब बैग फेंका तो वो आपकी बालकनी में आ गिरा था, और आपको वो नोटों से भरा बैग मिल जाता है। ये आपकी कौन सी इनकम है? ये आपकी कौन सी इनकम है?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या ये एग्जेम्प्ट है? नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम में तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, राइट? तो जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप ताश खेल रहे हो, ठीक है, कार्ड गेम से आपके पास पैसा आ गया, कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हो, करोड़ रुपए जीत के चले आते हो, ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, राइट? चलिए आइए शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 56, मतलब चार्जिंग सेक्शन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट एंड रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कवर्स इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अगर किसी दूसरे हेड में वो टैक्सेबल नहीं है तो यहां टैक्सेबल होगा। मतलब पहले आपको ये देखना है क्या वो एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा। कहाँ टैक्सेबल होगा? बाकी के चार हेड में। अगर नहीं हो पाया तो कहाँ होगा? आईयूएस में, राइट? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कुछ इनकम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि ये इनकम तो अदर सोर्सेज की ही है। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा लग सकता है ये इनकम देखने में कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पीजीबीपी की है या फिर किसी दूसरे हेड की है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि ये इनकम तो अदर सोर्सेज की है, राइट? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जनरल सेक्शन है और ये स्पेसिफिक है, राइट? जनरल की क्या कोई कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट हो सकती है, डिटेल लिस्ट? नहीं, इसकी कोई लिस्ट नहीं हो सकती है। हम इसकी एग्जांपल्स बात कर सकते हैं कि भाई ये भी देखो, जैसे मैंने बोला चिड़िया के पैर में नोटों की गड्डी बंधी थी, स्मगलर ने नोटों का बैग आपके घर में फेंक दिया, तो ऐसे तो न जाने कितनी इनकम हो सकती है, राइट? तो इसकी कोई एक कंप्लीट लिस्ट नहीं हो सकती। हम इसके पास कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि हाँ, दीज आर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, कि भाई ये इनकम तो अदर सोर्सेज की ही इनकम है। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 से। द फॉलोइंग इनकम्स, 9 ये काट दीजिए, द फॉलोइंग इनकम्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी और डिविडेंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कंपनी का डिविडेंड का इनकम, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डिविडेंड देती है। डिविडेंड कौन कौन से शेयर्स पे मिलता है? इक्विटी शेयर पे मिलता है, प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है। वो डिविडेंड कौन सी कंपनी का हो सकता है? वो डोमेस्टिक कंपनी का हो सकता है, फॉरेन कंपनी का हो सकता है, कोई भी डिविडेंड, वेदर फ्रॉम कंपनी और फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट? तो मैं इस पे लिख दूं डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। कंपनी का मतलब क्या हो सकता है? डोमेस्टिक कंपनी भी, फॉरेन कंपनी भी, ठीक है। शेयर्स कौन से हो सकते हैं? शेयर्स भी कोई भी हो सकता है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बताएंगे डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। डिविडेंड के रिस्पेक्ट में एक यूनिक बात है, टैक्स, ये इनकम तो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स देते हैं, ठीक है। डिविडेंड के लिए क्या क्या बातें जाननी है हमें? नंबर 1, टैक्सेबल अंडर हेड आईयूएस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम लोग, टैक्सेबल अंडर हेड आईयूएस। नंबर 2, टैक्सेबल एट स्लैब रेट, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 3, मैक्सिमम सरचार्ज ऑन डिविडेंड इज 15%, राइट? आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में पढ़ा था कि सरचार्ज कैसे लगता है। आपने पढ़ा था कि अगर 50 लाख तक हो इनकम, ठीक है, तो सरचार्ज होगा 10%, ठीक है। 1 करोड़ तक, मतलब 50 लाख से ज्यादा हो, ग्रेटर 50 लाख हो तो 10%, ग्रेटर 1 करोड़ हो तो 15%, ग्रेटर 2 करोड़ हो तो 25% और ग्रेटर 5 करोड़ हो तो 37%। हालांकि ये 37% था इन ओल्ड स्लैब, न्यू स्लैब में तो ये भी 25% ही है। मतलब न्यू स्लैब तो 25% से आगे बढ़ता ही नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर 25% ये हो जाता है। लेकिन अगर इनकम आपकी कौन कौन सी है, अगर आपकी इनकम है सेक्शन 112, सेक्शन 112A, सेक्शन 111A एंड डिविडेंड, ठीक है, इतनी इनकम पे
सरचार्ज की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15%, यानी यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम, इसको एक सेकेंड, इन सब की मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी मतलब ग्रेटर 50 लाख इन सब पे सरचार्ज 10% है और ग्रेटर 1 करोड़ 15% है, चाहे वो कितना भी हो, ग्रेटर 2 करोड़ हो 5 करोड़ हो कुछ भी, अब ग्रेटर 1 करोड़ 15% इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम सरचार्ज डिविडेंड पे भी कितना है 15% का ही है। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। पता है आपने एक बहुत यूनिक वर्ड यहां पे पढ़ लिया, विनिंग, पूरे इनकम टैक्स का सबसे यूनिक वर्ड यहां पे आपको दिख रहा है। इनकम टैक्स में हर जगह इनकम टैक्सेबल होती है लेकिन यहां पे विनिंग टैक्सेबल हो रही है। ये कौन सी इनकम है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, पता है ये क्या कहने का मतलब है? जहां पे भी आप तकदीर से पैसा कमाते हो, अगर आपको पैसा किस्मत से मिला है तो सरकार कहती है कि हम आपकी विनिंग पे टैक्स लेंगे ना कि इनकम पे टैक्स लेंगे, मतलब विनिंग को ही इनकम मान लेंगे। जहां पे पैसा कैसे आ रहा है? तकदीर से। एग्जांपल से समझिए, एक बात बताइए, आपने ₹10 की लॉटरी परचेज की, ठीक है, और ये लॉटरी खुल जाती है राइट, और आपको कितना मिल जाता है? आपको मिल जाता है ₹100 एज प्राइज मनी। जल्दी बताइए आपकी इनकम कितनी है? ₹10 की लॉटरी खरीदे थे, ₹100 का इनाम खुला है, तो मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम है ₹90। लेकिन इनकम टैक्स इसको इनकम थोड़ी ना मानता है, कहता है विनिंग इज टैक्सेबल। इनकम क्या है? विनिंग इनकम है। द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल एंड फॉलोइंग इनकम में क्या बताता है? द विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब कुछ टैक्सेबल है। दैट मीन्स योर विनिंग इज ₹100, आपकी इनकम होगी ₹100, ये है इनकम, याद रहेगा आपको। तो जहां पे भी आप तकदीर से पैसा कमाते हो, जितना पैसा आया वो इनकम, उस पैसा को लाने के लिए जितना मैंने खर्च किया वो इनकम नहीं है, वो घटेगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी को समझने के लिए। आपने ₹10 की पहली लॉटरी खरीदी, नहीं खुली, आप नहीं माने, आप फिर ₹10 की लॉटरी खरीदे, नहीं खुली, ₹10 की फिर लॉटरी खरीदे, नहीं खुली, ऐसे करते करते ₹10 की आपने पता है टोटल कितनी लॉटरी खरीद ली? आपने खरीद ली टोटल 15 लॉटरी और 15th लॉटरी खुल जाती है और आपको ₹100 मिल जाता है। तो पता है आपने कितने रुपए की टोटल लॉटरी खरीदी? कॉस्ट कितनी हो गई? 10 × 15 ₹150। ठीक है, प्राइज मनी आपको कितना मिला? ₹100। एक्चुअल में तो आपको घाटा हुआ है, सच पूछो तो ₹150 लगा के ₹100 कमाए, ठीक है, बट इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स जहां पे भी तकदीर से पैसा आता है, जो आता है कहता है बस हम उसको जानते हैं। तकदीर से जब पैसा आता है तो जो इनकम टैक्स क्या कहता है? जो आता है बस हम वो जानते हैं, उसको लाने के लिए जो लगा वो उससे हमको मतलब नहीं है। अब वो ये नहीं देखेगा ₹150 लगा के ₹100 आया, हम तो घाटे में है, कहेगा नहीं ₹100 आया है ना, ये इनकम है, ये इनकम है, दिस इज विनिंग, और जो विनिंग है वही इनकम है। यानी अब ₹100 पे टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस स्लैब रेट पे टैक्सेबल होती है, लेकिन ये जो स्पेशल इनकम है ना, ये तकदीर वाली जो इनकम है, ये स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है, इस पे टैक्स भी 30% का लगता है राइट। तो ये वाली इनकम, अभी जैसे मैंने आपको डिविडेंड के लिए ऊपर बताया, तो सभी इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन ये जो विनिंग वाला है, ठीक है, तकदीर वाले पे गवर्नमेंट दबा के टैक्स लेना चाहती है। एक तो जो पैसा मैंने उसको कमाने के लिए लगाया, तकदीर से जो पैसा आया वो भी आने के पीछे कुछ तो पैसा लगा था, उसको इग्नोर कर देती है, और जो आता है उस पर क्या करती है? रेट ऑफ टैक्स भी क्या है? 30% का, द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स राइट। तो इससे मतलब नहीं है। अब आइए तीसरी बात आपको बताएंगे। पता है मैंने साल भर में कितने की लॉटरी खरीदी? 1,00,000 रुपए की। मेरी फूटी किस्मत तो देखिए, बस एक बार ही लॉटरी खुली थी ₹100 की,
एक लाख रुपए की लॉटरी खरीद लिए, तब जाके कहीं एक लॉटरी खुली थी 100 रुपया की, 10-10 रुपया करके सोचो कितनी लॉटरी खरीदे, 10,000 लॉटरी खरीदे। देखियो कभी ऐसी किस्मत किसी की, एक लॉटरी खुली 100 रुपए की, ठीक है, बताइए सरकार को दर्द होगा कितना नुकसान हो गया बेचारे का? नहीं, कहेगी 100 रुपया जीते हो ना, ये 100 रुपए जो है तुम्हारी विनिंग है और यही तुम्हारी इनकम है, लाइए इस पे 30% का टैक्स, 30 रुपया हमको भी दीजिए। आई बात समझ में? सो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। देखिए दुनिया में ना बहुत तरीके की रेसेस होती हैं। कैसे रेसेस की बात हो रही है, कुछ देशों में जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं वहां पे कैमल रेस होती है, राइट, अगर आपको पता हो तो। बुल रेसेस होती है कुछ कंट्रीज में, पाकिस्तान में चूहों की रेस होती है, रैट रेस होती है, हाँ। तो इन सब रेसेस में लोग पैसा लगाते हैं, जैसे घोड़ों की रेस पे लोग पैसा लगाते हैं ना, तो इन रेसेस पे भी पैसा लगाते हैं और उससे जो विनिंग आती है, तो क्या ये तकदीर की इनकम है कि नहीं है? है भाई, मैंने 5 नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया, 5 नंबर का घोड़ा रेस में जीत जाता है, तो भाई मुझे तो 5-6 गुना पैसा मिल गया, वो मेरी तकदीर वाली इनकम है, राइट। अब मैंने एक घोड़े पे 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और वो घोड़ा जीत जाता है, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, बताइए इनकम कितनी है यहाँ पे? 1 लाख रुपए मैंने लगाया तो 5 लाख रुपए मिला, मेरी इनकम कितनी है? अभी तक जितना आप इनकम टैक्स पढ़े उसके हिसाब से तो आपको लगेगा इनकम 4 लाख रुपया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन सभी सोर्सेज ऑफ इनकम पे क्या चीज टैक्सेबल होता है? विनिंग टैक्सेबल होता है। तो 5 लाख रुपया मुझे मिला, 5 लाख रुपया इनकम कहलाएगी, राइट। मैंने 2 घोड़ों पे पैसा लगाया, ठीक है, 1 लाख 1 लाख, एक घोड़ा जीत जाता है 5 लाख रुपया आ जाता है, तो 2 लाख रुपये लगा के 5 लाख रुपया आया है, यानी नेट नेट मुनाफे की बात करें तो 3 लाख रुपया, लेकिन इनकम टैक्स की भाषा में प्रॉफिट कितना है जल्दी बताइए? इनकम कितनी है? 5 लाख रुपया। आइए हॉर्स रेसेस को हमें थोड़ा और इन डेप्थ समझना होगा, क्योंकि हॉर्स रेसेस में एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जो रेस घोड़े पे पैसा लगा रही है, बेसिकली यहां पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, और आपको ये तीनों को बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या चीज टैक्सेबल है। चलिए बताता हूं आपको, हॉर्स रेस, यहां पे 3 लोग होते हैं, एक होता है रेस का ऑर्गेनाइजर, भाई रेस ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एक रेस ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, दूसरा है स्टड फार्मिंग वाला जो स्टड फार्मिंग बिजनेस कर रहा है, और तीसरा है जो शर्त लगा रहा है यानी बेटिंग कर रहा है, जो घोड़ों पे पैसा लगा रहा है। आपको समझाता हूं स्टड फार्मिंग बिजनेस क्या है। रेस ऑर्गेनाइजर तो आप समझ गए, रेस ऑर्गेनाइजर वो है जो बेसिकली पूरा रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, ग्राउंड उसका है, पूरे स्टाफ लगाया हुआ है, ठीक है। इस रेस ऑर्गेनाइजर के पास ना एक डिवाइस होती है, टोटलाइजेटर, ठीक है, इसी पे वो पैसे उसे लगाए जाते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा सब अभी थोड़ा सा, पहले आइए अब स्टड फार्मिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब बताते फिर आते हैं वापस से रेस ऑर्गेनाइजर पे, क्योंकि जब मैं शर्त लगाना बताऊंगा आपको कैसे लगाया जाता है तभी आप समझोगे टोटलाइजेटर डिवाइस का क्या रोल है, क्योंकि उसी पे ही बेसिकली पूरी बेटिंग लगती है इलेक्ट्रॉनिकली। स्टड फार्मिंग कौन है, स्टड फार्मिंग क्या है बिजनेस? घोड़ों को रेस के लिए तैयार करना। हमारे देश में एक बड़ा बिजनेसमैन था जो स्टड फार्मिंग बिजनेस कर रहा था, हालांकि अब वो हमारे देश में नहीं है, विजय माल्या, राइट, आपको पता होगा कि अब वो लंदन में है। तो हिंदुस्तान का कोई अगर बड़ा प्लेयर था जो हॉर्स को रेसेस के लिए तैयार करता था, घोड़ों को रेस के लिए तैयार करता था, तो वो था विजय माल्या। इस बिजनेस को कहा जाता है स्टड फार्मिंग बिजनेस, राइट, इसी बिजनेस को कहा जाता है घोड़ों को रेस के लिए तैयार करना। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बिजनेस जो है ये बहुत छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसे मैं आपको समझाऊं इस बात को कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर मिला के 13 प्लेयर, और इन 13 प्लेयर को गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए सिर्फ एक कोच होता है,
वन कोच ऑन दीज 13 प्लेयर्स। लेकिन पता है जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं उसमें एक घोड़े के ऊपर दो दो कोच लगे होते हैं उनको गाइड करने के लिए। ये जो हॉर्स रेस है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैम्बलिंग है, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, और ये नंबर एक की गैम्बलिंग है। इसमें पैसा व्हाइट मनी में लगता है, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं लगती, व्हाइट मनी लगता है। अकाउंट पे ही आप चेक देते हो या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, राइट। और जब पैसा मिलता है तो वो भी बकायदा टीडीएस वीडीएस काट के मिलता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैम्बलिंग हॉर्स रेस, और वो आपको व्हाइट मनी में करनी होती है। वापस से आते हैं विजय माल्या की, जो हम बिजनेस की बात कर रहे थे। तो ये जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं इनपे जबरदस्त खर्चा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए दो दो कोच लगे हुए हैं, और ये जो कोच की सैलरी होती है ना, शायद इंडियन क्रिकेट टीम के कोच से ज्यादा सैलरी पाते हैं एक एक कोच, और दो दो कोच लगे हुए हैं एक घोड़े पे। आइए इस घोड़े के खाने पीने की बात करते हैं। मैं आपकी हमारे खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं, हमसे जो बहुत रईस लोग हैं ना, उनके खाने पीने का जो एक हफ्ते का खर्चा होगा वो उस घोड़े पे एक दिन पे होता है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो बड़े अमीर लोग होते हैं उनके परिवार का एक हफ्ते का जो खाने का खर्चा होगा, उनके परिवार का एक हफ्ते का जो खाने का खर्चा होगा वो उस घोड़े के एक दिन के खाने का खर्चा है। ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेता है, ठीक है। बड़े बड़े डाइटिशियन लगे होते हैं उस घोड़े के खाने के कंपोजिशन को डिसाइड करने के लिए कि भाई घोड़े को इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है, इतना विटामिन मिलना चाहिए। वो रेस में दौड़ेगा, ठीक है, और एक रेस दौड़ेगा और जीतेगा तो कई करोड़ रुपए कमा के देगा, ठीक है। हम तो अपनी जीवन भर मेहनत करेंगे तो पता नहीं करोड़ रुपए कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, वो तो एक रेस में दौड़ के कमाएगा। तो इस घोड़े पे भरपूर पैसा खर्च हो रहा है। क्या आपको पता है कितने रईस जाते ऐसे होंगे जिनके साथ डॉक्टर बैठा रहता होगा हर समय कि भाई कहीं भी अगर हल्का सा भी खांसी छींक आ गई तो तुरंत इसका इलाज होगा? नहीं, लेकिन इस घोड़े के साथ हमेशा एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो भी एकदम स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, जो काफी हाई पेमेंट ले रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना जबरदस्त खर्चा करना पड़ता है इन घोड़ों पे जो रेस में दौड़ते हैं। एंड विजय माल्या वॉज द वन हु वॉज डूइंग दिस बिजनेस इन इंडिया। आज अब देखिए विजय माल्या तो लंदन चले गए हैं, तो अब हिंदुस्तान में कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं जो स्टड फार्मिंग बिजनेस कर रहा है। तो मैंने आपको स्टड फार्मिंग के बारे में बताया। अब तीसरा बंदा है, एक बंदा है जो रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरा, ठीक है, ग्राउंड राउंड उसका है, टोटली सेटर डिवाइस पे पूरी बैटिंग वेटिंग कराएगा। दूसरा आदमी वो है जिसके घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, और तीसरा आदमी वो है जो शर्त लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, बेटिंग कर रहा है, घोड़े पे पैसा लगा रहा है। अच्छा, जब भी मैंने ये सिखाया है ना तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर इसमें एक रोल और है जॉकी का जो घोड़े को दौड़ा रहा है। बेटा उसका कोई रोल नहीं है, बात समझिएगा। वो जॉकी किसका है? वो स्टाफ है विजय माल्या जैसे लोग का जो स्टड फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। घोड़ा जब जीतेगा तो पैसा पता है किसको मिलेगा? घोड़े के मालिक को, जो घोड़ा दौड़ा रहा था उसको नहीं। हाँ, अब वो जो घोड़े के मालिक को पैसा जब मिलेगा तो वो उसमें से कुछ पैसा जो तनख्वाह, जनरली वो सैलरी पे होगा, तो वो जॉकी क्या पाएगा? जो उसकी मंथली सैलरी है वो पाता है। वो तो घोड़ा हार भी जाएगा तो भी पाएगा, ऑब्वियसली सैलरी उसकी ज्यादा होगी जो जॉकी हमेशा घोड़े को जिता देता होगा, राइट। देखिए मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ इन सब के बारे में, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात हो रही है, हॉर्स रेस की इनकम की, तो किसकी किसकी इनकम की बात हो रही है? इसकी इनकम की बात हो रही है, इसकी इसकी, ये सब समझना होगा ना। अब देखिए ये रेस कैसे होती है, ये देखिए मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, 20 घोड़े इसमें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये एक घोड़ा बड़ा पतला हो गया, चलिए मान लेते हैं ये टोटल 20 घोड़े हैं, ठीक है, 20 हॉर्सेस हैं, और सभी हॉर्स पे मान लेते हैं कि एक एक करोड़ रुपए की बेट लगी हुई है, मतलब कोई किसी पे लगाया, कोई किसी पे लगाया, और सब पे एक एक करोड़ रुपए लगाया, जबकि ऐसा होगा नहीं हमेशा। प्रैक्टिकली किसी किसी घोड़े पे ज्यादा पैसा लगा होगा, किसी घोड़े पे कम लगा होगा, हो सकता है किसी घोड़े पे पैसा ही ना लगा हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है।
20 घोड़े में हैं, सब पे मान लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए लगा है, तो जो ये रेस ऑर्गेनाइज़र है उसकी रेवेन्यू कितनी हो गई, इस रेस ऑर्गेनाइज़र की रेवेन्यू बोल रहे हैं, इसकी हो गई 1 करोड़ × 20 घोड़ा, 20 करोड़ रुपए। अच्छा प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सभी घोड़ों पे बराबर पैसा लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी घोड़े पे बहुत ज़्यादा लगा है, किसी पे कम लगा है, किसी पे नहीं लगा है, ये भी पॉसिबल है। मैं एक बार एक सिंपल एग्जांपल को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई इस धंधे में होता क्या है, ठीक है। तो 1-1 करोड़ अगर सभी पे लगा है, 20 घोड़े हैं, तो 20 करोड़ रुपये की रेवेन्यू रेस ऑर्गेनाइज़र के पास आ जाती है। अब ये कैसे ये सब कुछ इनपुट करता है, रेस ऑर्गेनाइज़र के पास एक डिवाइस होती है टोटालिसेटर, ऐसे समझ लीजिए कीबोर्ड की तरह एक डिवाइस है, ठीक है। उस पे भी 20 नंबर बने हुए हैं घोड़े के, जैसे बटन बना हुआ है, बटन 1, 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आप जैसे बोलेंगे पांचवें घोड़े पे मेरा 5 करोड़ रुपए लगा दीजिए, आप बोलेंगे पांचवें घोड़े पे 5 करोड़, तो पांचवें घोड़े का बटन दबाएगा, 5 करोड़ रुपया उसमें लिखेगा, खट से स्लिप निकलेगी, आपको पकड़ा देगा, आपकी एंट्री हो गई उसमें, ठीक है। फिर दूसरा कोई बोलेगा 2 नंबर के घोड़े पे मेरा 1 करोड़ रुपए लगाना है, तो वो उसको क्या करेगा, 2 नंबर का घोड़ा दबाएगा, 1 करोड़ रुपए लिखेगा, खट से स्लिप निकलेगी, उठा के पकड़ा देगा उसको। अब ये डिवाइस जो होता है वो कैमरे वगैरह से सबसे अटैच होता है, ठीक है। जैसे ही रेस चालू होगी वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, खटाखट खटाखट। कैसे कैलकुलेट करता है मैं आपको बताऊं, कि कौन सा घोड़ा जीतेगा तो कितने प्राइज मनी देनी होगी, राइट। तो वो पूरा कैलकुलेशन करने लग जाता है कि अच्छा अभी सबसे आगे कौन सा है, 5वां घोड़ा है, 5वें घोड़े पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इसका प्राइस मनी इतना देना पड़ेगा, तो अभी लॉसेस में है जो ऑर्गेनाइजर है, वो पूरा प्रॉफिट लॉस सब कैलकुलेट करता रहता है खटाखट खटाखट। अब देखिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, अब ये प्राइज मनी देता है, प्राइज मनी कैसे देगा, मान लीजिए वो 3 प्राइज दे रहा है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइस है 6 करोड़ रुपए, सेकेंड प्राइस है 4 करोड़ रुपए, थर्ड प्राइस है 2 करोड़ रुपए, तो कितना हो गया 12 करोड़ रुपए, तो वो प्राइस बांट देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जितना प्राइस मनी होता है मोटा मोटा उसका 20-25% जिसका घोड़ा होता है उसको मिलता है। अब ये 6 करोड़ रुपए किसको मिलेगा, जिसने 1 करोड़ रुपए लगाया था उसको 6 करोड़ रुपए मिलेगा, ये जीत जाएगा। तो अच्छा 6 करोड़ इज नॉट द अमाउंट, अब मैं आपको मल्टीपल्स के टर्म्स में बताना चाहता हूँ कि जैसे 1 करोड़ रुपए लगाए हो तो 6 करोड़ रुपए मिल रहा होगा, 2 करोड़ लगाए होते तो ऑब्वियसली 12 करोड़ रुपए मिल रहा होता, ठीक है, 4 टाइम्स या 6 टाइम्स, ये सब मैं कहना चाहता हूं यहां पे। तो जिसने 1 करोड़ रुपए लगाए उसको 6 करोड़ रुपए मिलेगा, राइट। और जो घोड़ा जीता तो घोड़े वाले को भी कुछ मिलेगा, जिसका घोड़ा है हाँ उसको भी कुछ मिलेगा, उसको मिल जाएगा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। जिसका घोड़ा सेकेंड आया उसको भी 1 करोड़ मिलेगा, जिसका घोड़ा थर्ड आया उसको 0.5 करोड़ मिलेगा, तो मोटा मोटी घोड़े के ओनर को भी पैसा चला गया कितना 3 करोड़ रुपए। तो टोटल उसकी प्राइस मनी हो गई 15 करोड़ रुपए, ठीक है। प्लस इसके अलावा कुछ और खर्चे, स्टाफ के ग्राउंड मैनेजमेंट में खर्चा होगा, ये सब में खर्चा होगा, ठीक है, मान लेते 1 करोड़ रुपए और खर्चा हो गया, ठीक है। तो 20 करोड़ में से 16 करोड़ हटा दीजिए, 4 करोड़ रुपए उसका फायदा हो गया। अच्छा मैं अब आपको ये समझना चाहता हूं, क्या ये हमेशा कमाता है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि सारा का सारा पैसा पता है किसमें लगा था, घोड़े नंबर 5 पे लगा था, और घोड़ा नंबर 5 जीत जाता है, ठीक है, घोड़े नंबर 5 पे सबसे ज्यादा पैसा लगा था, 50 करोड़ रुपये उसी पे लगा था, तो 50 × 6 300 करोड़ रुपये उसको देने पड़ गए, घाटा हो गया उसको, तो बाकी घोड़ों पर तो बहुत कम लगा था, 50 करोड़ उसी पर लगा था, बाकी सारे घोड़े मिला के 10 करोड़ लगा था, 60 करोड़ की रेवेन्यू आई थी, 300 करोड़ देना पड़ गया, तो घाटा भी हो सकता है इसको, तो इसको फायदा घाटा दोनों हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूं, क्या ये तकदीर की इनकम है ये जो रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, या ये बिजनेस कर रहा है? क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज सब पे बराबर पैसा लग रहा है तो ये हमेशा कमा रहा है, देखिए धंधा तो इसका कमाने वाला है। बताइए ये धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या इसको भी तकदीर से आ रही है? नहीं, ये बिजनेस कर रहा है प्रॉपर, पूरा ग्राउंड मैनेजमेंट कर रहा है, स्टाफ इतने सारे रखा हुआ है, ठीक है, टोटालिसेटर डिवाइस है इसका, पूरा ये पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, ये जुआ खिला रहा है, खेल नहीं रहा है, लेकिन इसको खिलाने में भी रिस्क है, ये धंधा रिस्की है, ये हाई रिस्क बिजनेस है, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद वही घोड़ा जीत जाए जिसमें बहुत पैसा लगा है, ये जा सोच के देखिए, एक ऐसे घोड़े पर पैसा लग जाए, 3 घोड़ों पर जो 3 घोड़े जीते उन पर पैसा लगा ही नहीं था,
तीन घोड़े जो जीते, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो घोड़े आए उस पर पैसा लगा ही नहीं था, एक रुपया प्राइज मनी देना नहीं पड़ा, पूरा जितना पैसा आया पूरी रेवेन्यू इनकम हो गई। पॉसिबल है, ये रिस्की बिजनेस है, ज्यादा भी कमाएगा कम भी कमाएगा, कुछ भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस है। जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये बिजनेस है। आइए स्टड फार्मिंग वाले की बात करते हैं। स्टड फार्मिंग वाला ट्रेनर लगाता है, ट्रेनर पे खर्चा करता है, घोड़े के खाने पे खर्चा करता है, घोड़े के मेडिकल पे खर्चा करता है, डॉक्टर्स पे खर्चा करता है, ठीक है। और फिर कभी कभी उसका घोड़ा जीतता है, कभी नहीं भी जीतता है। भाई विजय माल्या जैसे लोग तो घोड़े पे इतना पैसा लगा के उसको ट्रेन करते हैं, वो जाके रेस में जीतेगा तो 1.5 करोड़ रुपया लाएगा ये जैसे लाया, लेकिन अगर नहीं जीतेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो उसे घाटा भी हो सकता है। राइट, स्टड फार्मिंग के बिजनेस में फायदा घाटा दोनों हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। व्हाट इज दिस, इज इट बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? ये बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। नाउ कमिंग टू थर्ड, बेटिंग, शर्त लगाने वाला। वो क्या कर रहा है? वो तो सिंपली बोल रहा है 5 नंबर के घोड़े पे लगाओ मेरा 1 करोड़ रुपया, वो हारेगा या जीतेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। वो और कुछ भी नहीं कर रहा है, ही इज अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ किस्मत, ये सिर्फ किस्मत से कमा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। विजय माल्या ये मत बोल दीजिएगा उसका घोड़ा जीता तो किस्मत से कमाया, अरे बहुत कुछ किया भी है, ठीक है, घोड़े को तैयार किया गया है रेस के लिए, इतना पैसा लगाया है, सब कुछ, ही इज डूइंग बिजनेस। बट जो पैसा लगा रहा है, बेटिंग कर रहा है, शर्त लगा रहा है घोड़े पे, वो क्या कर रहा है? वो गैम्बलिंग कर रहा है, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसके लिए किस्मत वाली इनकम है। आई बात समझ में सबको? तो क्यों इतना मुझे समझाना पड़ा? ध्यान दीजिएगा, हॉर्स रेस से रिलेटेड दो इनकम और हो सकती है। अगर स्टड फार्मिंग की इनकम की बात करें, इसको हम और क्या बोलते हैं? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, दौड़ वाले घोड़ों को ओन करना और मेंटेन करना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात आएगी तो यू विल बी कंसिडर इट एज बिजनेस। रेस ऑर्गेनाइजर की बात आएगी, यू विल कंसिडर इट एज बिजनेस। बेटिंग की बात आएगी, IOS, राइट। अब आइए हम इसकी इनकम निकालना सीख लिए, 4 करोड़ रुपया, क्या इसको घाटा भी आ सकता है? हाँ, घाटा भी आ सकता है। स्टड फार्मिंग वाले की इनकम कैसे निकलेगी? घोड़ा जीतेगा तो जो पैसा आया माइनस जितना भी घोड़े पे खर्चा लग रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव आए निगेटिव आए वो उसकी इनकम है। लेकिन बेटिंग वाले के लिए, बिजनेस वालों के लिए इनकम होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसके लिए ऐसा नहीं है। बेटिंग वाले के लिए जो आया इनकम, जो गया कोई मतलब नहीं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों की इनकम निकालने का तरीका अलग है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और इसका क्या है? रेवेन्यू इनकम है। चलिए, तो कार्ड गेम, अब आप ताश खेल रहे हो, पहला खेले हार गए, दूसरा खेले हार गए, 10,000 रुपए की 10 दांव हार गए, ठीक है, 11वीं दांव में 10,000 रुपए आपने मारा, 1,00,000 रुपए जीत गए। अभी 11 दांव हारे हो, 11 दांव टोटल लगाए हो, 1,10,000 रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए आया है, तो आमदनी हुई है क्या? नहीं, टेक्निकली तो आमदनी नहीं हुई है, लेकिन यहां पर सरकार इनकम मानेगी, जो आखिरी दांव में 1,00,000 रुपए जीते हो, विनिंग ये आपकी इनकम है, जो जीते जितना जीते वो सब इनकम, राइट। एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी किस्म का कोई भी गेम, गैम्बलिंग बेटिंग आप करते हो, ठीक है, ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, ठीक है। अच्छा, एनी गेम का मतलब यहां पे कौन सा गेम है? ये सब किस्मत वाली गेम का बात हो रही है, टीवी ऑनलाइन गेम्स वगैरह इन सब की बात हो रही है, हम टीवी गेम्स ऑनलाइन गेम्स इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, आप क्रिकेट खेलते हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है, वो आप मेहनत से फुटबॉल खेलते हो हॉकी खेलते हो उसकी बात नहीं हो रही, ये तकदीर वाली कि कौन बनेगा करोड़पति। एक आता था पहले, टीवी सीरियल था ये, सच का सामना, बहुत पहले आता था, ठीक है, और बेसिकली उसमें क्या होता था कि जो बंदा उसको खेलता था उसको एक चेयर पर बैठाया जाता था और मेडिकली कुछ
मतलब वो एक मेडिकल टेस्ट पे भी होता था, जब उस चेयर पे बैठा होता था, कि वो सच ही बोलेगा, राइट। तो ट्रुथ और लाई उसमें चलता था, मतलब उससे क्वेश्चन किया जाता था, अगर उसने सही जवाब दिया, और ऐसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन किए जाते थे कि मतलब अगर वो सच बोलेगा तो कबाड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही होता था उसमें सच का सामना, राइट। और उसमें हर सच आप जैसे जैसे जवाब देते जाते थे वो सही होते जाता था, तो आपको इनाम मिलते जाता था। तो इस तरीके के जितने भी गेम शोज हैं, मतलब आप ऐसे समझिए टीवी पे जितने गेम शोज आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ये सब पे जो भी आपकी विनिंग होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, इसे हम कहते हैं किस्मत वाली इनकम, ठीक है। एक बात बताइए, आपने जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास की थी हमसे, तो मैंने आपको एक बात पूछी थी कि मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन से जो आपको इनकम आती है ये कौन सी इनकम है आपकी? सोच के देखते हैं। सैलरी? नहीं भाई, नौकरी तो कर नहीं रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी? किराए की इनकम है नहीं। सोच के देखते हैं कि ये ट्यूशन की इनकम कौन सी है? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस। सैलरी तो नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है। ये दो दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, या तो ये बिजनेस प्रोफेशन कहा जा सकता है या आईयूएस कहा जा सकता है, क्या है ये? तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी किसी भी बिजनेस को आईयूएस भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी टैक्सेबिलिटी भी एक तरीके से वो एक ही जैसा है, सिमिलर है, टैक्स का रेट भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं, जैसे अगर आप कहते हो कि ट्यूशन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली, आई नीड टू डू दिस ट्यूशन बिकॉज इसी से मेरा सर्वाइवल है, देन इट इज योर पीजीबीपी इनकम फॉर यू। आप ट्यूशन करते हो, आप कहते हो नहीं हम खाली रहते हैं तो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, क्योंकि खाली समय कहाँ खराब करेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम पढ़ा लेते हैं, जब मेरे एग्जाम्स वगैरह आते हैं या कुछ भी मुझे जरूरी अपना कोई काम होता है तो मैं ट्यूशन छोड़ भी देता हूँ, और मेरे लिए ट्यूशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कैजुअली ऐसे ही करता हूँ बस। तो दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यस, ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। मेरे जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, ठीक है, उनके पास इनकम टीचिंग से आ रही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास टीचिंग से ही नहीं, कंसल्टेंसी से इनकम आती है, वो कंपनियों को कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाते भी हैं, कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, किताबें लिखते हैं, उससे रॉयल्टी भी आती है, राइट। मेरी इनकम टैक्स की किताब अभी फिलहाल भारत पब्लिकेशन प्रिंट कर रहा है, तो भाई मुझे उनसे रॉयल्टी भी आती है, ठीक है, रॉयल्टी समझते हैं ना। ऑथर होता है, ऑथर वो होता है जो किताब लिखता है, पब्लिशर वो होता है जो किताब छापता है, ठीक है, पब्लिशर उस किताब को छापता है और पूरे हिंदुस्तान में बेचने की गारंटी लेता है, उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है रिटेलर्स के साथ, ऑनलाइन बुक सेलर्स के साथ, सबके साथ एक बड़ा सा नेटवर्क बना के बैठा होता है, ठीक है, तो वो किताबों को बेचता है, और पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी किताब बिक रही है उसका एमआरपी पे एक सर्टेन परसेंटेज किसको मिल रहा है? ऑथर को। तो मैंने किताब लिख दी, उसके बाद मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है, पूरे देश में जितनी किताब अब बिक रही है वो उस सब पे हमें कमाई हो रही है, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, जितनी भी किताब पब्लिशर अब बेच रहा है उस पर मुझे एक सर्टेन परसेंटेज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम, राइट। तो मेरी भी ऐसी ही तीन इनकम है, टीचिंग की, कंसल्टेंसी की, रॉयल्टी की, ठीक है। नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंसल्टेंसी की इनकम कहाँ जाती है मालूम है? पीजीबीपी में, ये जाती है पीजीबीपी में। लेकिन पता है मेरी पीजीबीपी की इनकम कौन सी है? टीचिंग, ये है मेरा, क्योंकि ये मेरा मेन सोर्स है, ठीक है। दूसरी चीज रॉयल्टी, रॉयल्टी मैं किताब लिखना प्रोफेशनल वर्क नहीं मानता अपना, मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मुझे बच्चों को नोट्स देने होंगे कि नहीं भाई? उनके पास वो हैंडबुक होनी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उनके पास रिटन मटेरियल होना चाहिए, तो मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रिटन मटेरियल तैयार किया है। अब भाई पब्लिशर कह रहा है कि इस किताब की मार्केट में भी डिमांड है, जो आपसे नहीं भी पढ़ रहा है बच्चा वो भी चाहता है इस किताब को खरीदना, आप छपवा लीजिए मुझसे, तो मैं कहता हूं चलो छाप दो। मैंने तुम्हारे पब्लिशर के लिए किताब बनाई क्या? नहीं, मेरा वो साइड इनकम है, तो मैं इसको कंसिडर करता हूं एज आईयूएस।
मैं टीचिंग को मेन मानता हूं, मैं टीचिंग करता हूं इसलिए किताबें लिखता हूं, किताबें लिखता हूं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं। बात समझिएगा, मैं ऑथर नहीं, ठीक है, मैं ऑथर टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए बना हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी इज नॉट इवन माई मेन सोर्स, टीचिंग इज माई मेन सोर्स। तो आई इवन कंसिडर दिस एज IUS। तो मैं आपको बताना चाहता था कि जहां हिंदुस्तान में मेजोरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कंसल्टेंसी एक बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, मेरे लिए अदर सोर्सेज है, एंड आई सो इट एज अदर सोर्सेज। क्या मुझे कोई मना कर सकता है? नहीं, मैं बताता हूं सरकार को कि भाई टीचिंग मेरे लिए मेन PGBP है। अच्छा, क्या ये तीनों मैं PGBP भी दिखा सकता हूं? हाँ, मैं तीनों PGBP दिखा दूंगा तो भी सरकार मना नहीं करेगी, मैं तीनों को बिजनेस प्रोफेशन भी बोल सकता हूं। बहरहाल, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये कि कोई एक पर्सन अपने किसी एक सेकेंडरी बिजनेस को चाहे तो IUS भी बोल सकता है, अगर वो उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो। हाँ, अगर उसको भी बिजनेस कहना चाहता है तो कर ले, लेकिन जनरली हम बिजनेस तभी कहते हैं जब वो परमानेंट होता है। अगर वो कैजुअल जैसा होता है ना तो हम उसको अदर सोर्स से बोलते हैं। हाँ, अगर वो मेरा सेकेंडरी, अरे एक इंसान के 10 बिजनेस हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, ठीक है, और 10ों के 10ों मेरे प्राइमरी हैं, ठीक है, कोई भी कैजुअल जैसा नहीं है कि आज चला रहे हैं कल नहीं चलाएंगे, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन के पास तो 20-20 बिजनेस है, 50-50 बिजनेस है, तो वो सब PGBP में ही दिखाते हैं। क्या हम कब एक बिजनेस को अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं? व्हेन आई से इट इज इन कैजुअल, ठीक है, ओकेजनल है, राइट, और इट्स नॉट इवन माई प्राइमरी, प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी है और ओकेजनल है, तो हम उसको अदर सोर्सेज दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिखाना है, दिखा सकते हैं एज अदर सोर्सेज। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कैन अ बिजनेस ऑल्सो बी, मतलब कि एक बिजनेस इनकम अदर सोर्सेज में भी हो सकता है, दिख रही हो? हाँ। आइए अब अगले पॉइंट को समझने से पहले याद कीजिए आपने क्या पढ़ा था PGBP में, कि अगर हम इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF, इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF अगले महीने की 15 तारीख तक, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इंप्लॉयज का कंट्रीब्यूशन टू PF अगले महीने की 15 तारीख तक जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताइए। वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ फॉरएवर हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने इंप्लॉय का पैसा काट लिया है PF में से, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना है, तुमने इंप्लॉय का पैसा काटा PF का, अगले महीने की 15 तारीख तक क्यों नहीं जमा किए? अगर नहीं जमा करोगे तो डिसअलाउ कर देंगे फॉरएवर, मतलब उतना मेरी इनकम में एडबैक हो जाएगा। हालांकि जमा तब भी करना पड़ेगा कि नहीं 15 तारीख के बाद? प्रैक्टिकली तो करना पड़ेगा, नहीं तो इंप्लॉय नहीं छोड़े, इंप्लॉय छोड़ देगा क्या? आप किसी का पैसा काटोगे और जमा नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ही, राइट। अब यहां पे क्या बात हो रही है, वो जो मेरा बिजनेस जिसको हम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, जैसे मेरा कंसल्टेंसी वाला बिजनेस है, ठीक है, जिसको हम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, तो कुछ स्टाफ इसमें भी तो लगे हुए हैं, मेरे कुछ स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, जो इनका PF का पैसा हम अगले महीने की 15 तारीख तक नहीं जमा करेंगे तो वो मेरी इनकम बनेगी, लेकिन कौन से हेड की? IUS की। अब समझे आप, अगर हम अपने इंप्लॉयज का PF का पैसा अगले महीने की 15 तारीख तक नहीं जमा करते तो वो मेरी इनकम बन जाती है। कौन सी इनकम बनती है? अरे अगर वो इंप्लॉय मेरे PGBP वाले का है, मेरे वो बिजनेस का है जो PGBP में दिखाते हैं, तो मेरी PGBP की इनकम बनेगी, ठीक है। अगर वो इंप्लॉय मेरे ऐसे बिजनेस का है जिसकी इनकम को हम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, तो इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF जो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा नहीं होगा वो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? यही बात यहां लिखी है, सम रिसीव फ्रॉम इंप्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इफ इट इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 If it is not deposited before due date of such act, यानी अगले महीने की 15 तारीख तक अगर जमा नहीं होता है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 28, ये सेक्शन 28 क्या था? चार्जिंग सेक्शन ऑफ PGBP। अगर वो PGBP में टैक्सेबल नहीं हो रहा है एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन टू PF अगले महीने की 15 तारीख तक न जमा करने पे, तो वो अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इफ इट इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 If it is not taxed as business income under section 28, interest की कोई भी income वो other sources में taxable होती है।
इंटरेस्ट की कोई भी इनकम हो वो अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है। लेकिन जब आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो कहेंगे कि सर तब फिर आप तो बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, यहां तो बस इतना ही लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड, सिर्फ इतना ही लिखा है और आप कह रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, कुछ इंटरेस्ट सबसेक्शन 1 के तहत टैक्सेबल है, कुछ सबसेक्शन 2 के तहत टैक्सेबल है। सबसेक्शन 2 के तहत ये टैक्सेबल है, बाकी इंटरेस्ट सबसेक्शन 1 के तहत टैक्सेबल है। इतना अगर आप नहीं भी दिमाग लगाएंगे कौन सा सबसेक्शन 2 के तहत है कौन सा सबसेक्शन 1 के तहत, तो भी चलेगा काम। आप याद कर लीजिए इंटरेस्ट की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। बस दो इंटरेस्ट ऐसे हैं जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होते हैं। आप चाहें तो लिख लें, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल, ऑल इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड IUS, सारी इंटरेस्ट इनकम नंबर 1, एक्सेप्ट नंबर 1, इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट कंपनी, नंबर 2, इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑफ फर्म। अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को ब्याज आता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका काम ही यही होता है, वो जगह जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका धंधा ही यही है इन्वेस्टमेंट करना। तो जो धंधे से ब्याज आता है वो उनकी बिजनेस की इनकम होती है। याद रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है अगर वो ब्याज कमा रही है तो उसके लिए वो PGBP की इनकम है। दूसरा, इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑफ फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर ऑफ द फर्म को, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर ऑफ द फर्म या फिर रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये उनकी PGBP की इनकम होती है, तो ये भी PGBP में टैक्सेबल होता है। बस इसके अलावा सारी की सारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो IUS की इनकम है। आइए नेक्स्ट देखिए, रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी प्लांट ऑफ फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28। देखिए, किराए की जो इनकम होती है, रेंट की जो इनकम होती है, वो अगर हाउस प्रॉपर्टी से है, ठीक है, अदर एसेट से है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो ये कौन सी इनकम होती है? अगर हाउस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो इनकम फ्रॉम HP होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अदर एसेट की अगर किराए की इनकम आ रही है तो या तो वो PGBP होगी वो, या फिर IUS होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मकान किराए पे दिया, HP की इनकम है भाई, ठीक है, मैंने जनरेटर किराए पे दिया, तो आप मुझसे पूछिए सर क्या ये आपका धंधा है जनरेटर किराए पे आप देते हैं? धंधा हो सकता है मेरा भाई जनरेटर किराए पे हम देते हैं? अगर नहीं तो ये अदर सोर्सेज है। ऐसे समझ लीजिए, मेरी बिल्डिंग में जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, अब मेरे पड़ोस में एक शादी थी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्या जनरेटर की कनेक्शन आप मुझे दे देंगे, मैं 5,000 रुपये आपको पे कर दूंगा। तो मैंने कहा कि अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई जनरेटर की हम कनेक्शन दे देते हैं आपकी शादी के लिए, मुझे 5,000 रुपये आ गए। क्या ये मेरा धंधा है जनरेटर किराए पे देना? नहीं, 5,000 कौन सी इनकम है? अदर सोर्सेज की, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि सर आपके एक ऑफिस में बड़ी सारी कुर्सियां लगी हुई है, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में वही कुर्सी लगवा दूं, रात में तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए। मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहा 5,000 रुपये इसके भी मिलेंगे। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है भाई, ले जाओ सारी कुर्सी लगा दो शादी में, सुबह सुबह आ जाएगी कुर्सी वापस, ठीक है, तो इसके 5,000 रुपये मिले। कौन सी इनकम है? बिजनेस की। नहीं, ये मेरा धंधा थोड़ी ना, मैं टेंट वाला थोड़ी ना हूँ, कुर्सी उर्सी नहीं लगवाता, मेरा काम तो टीचिंग का है, ठीक है, तो ये मेरी इनकम कौन सी? अदर सोर्सेज की, राइट। अब एक टेंट वाला कुर्सी देता है किसी शादी में किराए पे, ठीक है, अब उसकी कौन सी इनकम है? PGBP की। अंडरस्टूड। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो HP की होती है, लेकिन दूसरे कोई भी एसेट है तो वो PGBP भी हो सकता है, IUS भी हो सकता है। अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं होगा तो IUS में टैक्सेबल होगा, ये क्लियर है, ठीक है, यही कह रहा है। रेंटल इनकम मशीन प्लांट फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंटल इनकम और लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी ऑफ फर्नीचर अलॉन्ग विद लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल।
याद आ रहा है, कंपोजिट लेटिंग, बिल्डिंग के साथ आपने एसेट दिया था। अगर आपको न याद हो, कंपोजिट लेटिंग की बात हो रही है, सब पहले ही पढ़ चुके हो आप हाउस प्रॉपर्टी में, कंपोजिट लेटिंग है, आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट दे रहे हो, और ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, याद है ये सब पढ़ाए थे, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। राइट, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो इस केस में ये जो इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है, कौन सी इनकम होती है? मैंने एग्जांपल लिया था लेक्चर हॉल, दो इनकम हो सकती है, या तो पीजीबीपी हो सकती है या आईयूएस हो सकती है, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट भी दें, मतलब लेक्चर हॉल रेडी करके किराए पर चला रहे हैं, यही मेरा धंधा है, तो पीजीबीपी है। मेरा लेक्चर हॉल खाली था, कोई दूसरा टीचर बोलता है कि मैं आपके क्लास में आके लेक्चर ले लूँ, अपने बच्चों को भी ले आऊँगा, खुद भी आऊँगा, क्लासेस लूँगा, चला जाऊँगा, आप मुझे बताइए कितना पैसा देना। मैंने कहा भाई 5,000 रुपया दे देना एक क्लास का। तो ये 5,000 रुपये मेरी कौन सी इनकम है? अदर सोर्सेज की, क्योंकि मैं लेक्चर हॉल किराए पर नहीं चलाता। लेकिन अगर मैं यही धंधा बना लूँ, मैंने शहर भर में 200 लेक्चर हॉल बना दिए हैं और मैं किराए पर ये देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। अगर उसमें कोई आएगा कहेगा एसी हटा लो, कुर्सी हटा लो, माइक हटा लो, प्रोजेक्टर हटा लो, तो मैं हटाऊंगा नहीं, याद आ रहा है ना, मैं लेक्चर हॉल किराए पे देता हूँ, हॉल किराए पे नहीं देता हूँ। तो ऐसे केस में ये इनकम पीजीबीपी या आईयूएस की होती है। वही बात यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि भूले तो नहीं हो एचपी में पढ़े थे कि लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी ऑफ फर्नीचर अलॉन्ग विद लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। अगर वो बिजनेस में नहीं टैक्सेबल होगी, यहाँ होगी। नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इफ द सेम इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। मैंने आपको बताया था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए लोग बड़ी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं? हाँ। कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसको बाकी डायरेक्टर तो कह रहे हैं कि तुम यार हटोगे ना तब कंपनी कहीं जाके ग्रो करेगी, और वो चिल्ला रहा है, कह रहा है कंपनी मेरे कंधों पर खड़ी है, मैं हटा तो कंपनी गिरी। राइट, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स तो ऐसा मानने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी कहता है मुझे सैलरी मत दो, इज्जत दो भाई, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, पैसे बहुत है मेरे पास, इज्जत चाहिए, मेरा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो, ठीक है, और जो तनख्वाह देते हो वो हमें तनख्वाह मत दो, मेरे ही पैसे का प्रीमियम जमा कर दो उस पॉलिसी का। लेकिन यहां बड़ी टैक्स प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जब पैसा आ रहा था तो वो एग्जेम्प्ट हो जा रहा था, ठीक है, तनख्वाह जब आती तो वो तो टैक्सेबल हो जाती, तो लोग कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए करा रहे थे, क्योंकि एक जमाने में इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था। सरकार ने इसको ट्रैप कर लिया, कहा बहुत हो गया नाटक, अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो टैक्सेबल होगा। कहाँ टैक्सेबल होगा? डिपेंड करेगा किसको मिला है। अगर वो कीमैन को खुद ही मिल गया, मतलब उस एम्प्लॉय को खुद ही मिल गया पैसा, तो उसकी सैलरी की इनकम होगी। अगर ये पैसा कंपनी को मिल गया, जिस कंपनी ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, तो वो उसकी पीजीबीपी की इनकम हो गई। लेकिन अगर कीमैन के घर वालों को मिल गया, ठीक है, फैमिली मेंबर ऑफ कीमैन को मिला, कब ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर ऑफ कीमैन को मिल जाए, देखिए, या कीमैन को मिल जाए, ये सब कब होता है? अगर कंपनी ने उस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को एजाइन कर दिया कीमैन के हाथ में, और जनरली जब भी ये टैक्स प्लानिंग होती है ना, तो एजाइन कर दिया जाता है कीमैन के हाथ में, क्योंकि कीमैन ही तो अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा रहा था, ठीक है, तो कीमैन को अगर एजाइन कर दिया गया है तो कीमैन, और जब पॉलिसी सरेंडर करके पैसा आता था तो कीमैन के हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। पॉलिसी तो एजाइन है कीमैन को, लेकिन जब पैसा आने का समय आता है तो कीमैन की तब तक डेथ हो जाती है, तो कीमैन के घर वालों को मिल जाता है, और जब घर वालों को मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, यही वाली बात कर रहा है। नेक्स्ट है, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन ऑफ और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजें हैं, मनी ये अलग है और ये पूरा अलग है। आपको मनी मिलता है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है मनी और प्रॉपर्टी, ये दोनों रिसीव विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, नहीं, मनी मिलता है आपको, ठीक है, और मिलता है प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन ऑफ और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन।
मनी तो हमेशा विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। आपको किसी ने पैसे दिए, ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है क्या कि आपने को किसी ने पैसे दिए और बदले में आपसे पैसे लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनी मिलता है वो इनकम है मेरी, ठीक है, और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली, कोई ज्वेलरी मिल गई मुझे, ठीक है, किसी ने मुझे लैंड दे दी, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, पैसा नहीं लिया, और या फिर कम रेट में दे दिया, मतलब 1 करोड़ की जमीन थी 1 लाख रुपए में ही दे दिया, ज्वेलरी 1 करोड़ रुपए की 1 ही लाख रुपए में दे दिया, तो इसे कहा जाता है गिफ्ट। आपको मनी मिलता है लिफाफे में पैसा भर भर के, बर्थडे है ये लिफाफा मिला, कोई रिश्तेदार आया तो रिश्तेदार घर आया तो लिफाफा पकड़ाया, घर से वापस जा रहा है बाय बाय कर रहा है तो फिर आपको लिफाफा दे रहा है, मिलता है ना, ये सारे लिफाफे गिफ्ट कहलाते हैं। और ये टैक्सेबल होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन लेकिन अब ये जनरल विचार तो यही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस विचार को चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअल में कहा जाता है इसे गिफ्ट, और गिफ्ट की इनकम टैक्सेबल होती है अंडर हेड IUS, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। सरकार गिफ्ट पे टैक्स ले ही नहीं रही है, एक्चुअली गिफ्ट की आड़ में जितनी टैक्स प्लानिंग हो रही है ना, टैक्स उस पर लग रहा है। आप सोच के बताइए कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, मैं आपकी ही बात करता हूं, चलिए आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपको अगर गिफ्ट देना होगा उसे, तो क्या क्या देंगे, सोचिए और बताइए मुझे। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं कि आप गिफ्ट देंगे तो क्या देंगे। आप चॉकलेट देंगे, फ्लावर देंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा है तो ड्रेस दे देंगे, किसी के पास और ज्यादा पैसा है वो मोबाइल दे देगा, राइट, दूसरे कुछ गैजेट्स दे दोगे, ठीक है, और अमीर हो आप कार वार दे दोगे, हो सकता है गिफ्ट में, ठीक है, यही सब तो दोगे ना, ये पैसा भी दोगे, कैश भी गिफ्ट दे रहे हो, तो कितना दे दोगे, 5,000, 10,000, 20,000, 5 करोड़ रुपया नहीं ना दे देते हो? तो जब भी इंसान को गिफ्ट मिल रहा है और वो जेन्युइन गिफ्ट है तो यही सब होता है, इस पे 1 पैसा टैक्स नहीं लगता है। सरकार प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इन जितनी चीजों की मैंने बात की, इन सब पे 1 रुपया टैक्स नहीं लगता, आप जितना चाहे जितना मुझे दे दीजिए, ये सब, ये गिफ्ट की इनकम, ये गिफ्ट की इनकम नहीं टैक्सेबल है। कौन सी गिफ्ट की इनकम टैक्सेबल है? जो बेसिकली गिफ्ट के नाम पे आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है, लिमिट यहां पे लगाई गई है 50,000 रुपए से ऊपर की, ठीक है, अब कोई आपको 1 लाख रुपए दे देता है, 5 लाख रुपए दे देता है, 50 करोड़ रुपए दे देता है, एक्चुअल में क्या था, पहले गिफ्ट टैक्सेबल था ही नहीं, ठीक है, तो जिस समय ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता था तो लोग बताते थे कि मुझे ना 5 करोड़ रुपए गिफ्ट मिल गया है। अरे सरकार कहती थी यार तुम्हारा हद है, 5-5 करोड़ रुपए तुमको मिल जाता है गिफ्ट, तो एंड देयरफॉर इट वाज मेड कि भाई अगर ये चीज मिलेगी तो उसे हम टैक्सेबल बनाएंगे एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे इसको भी, इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है गिफ्ट टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन। मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया था कि सरकार आपकी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, करती है, तो आपको देती है कंपनसेशन, लेकिन कभी कभी ये कंपनसेशन अनाउंस तो कर देती है कि आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, लेकिन देने में लगा देती है 6 महीना 8 महीना, कभी कभी 1 साल 2 साल 4 साल, ठीक है, कभी कभी इंस्टॉलमेंट में देती है, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो दे दिया, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट पता चला 2 साल बाद आ रहा है। तो एक तो मैंने बताया था कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो कंपनसेशन से, तो आप केस करते हो इनहैंस्ड कंपनसेशन के लिए, लेकिन मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कंपनसेशन से सेटिस्फाइड हो लेकिन आपको देर में पैसा मिला है इसलिए सरकार से आप ब्याज चाहते हो, तो आप केस करते हो कि मुझे ब्याज दीजिए, तो ये जो ब्याज आता है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो सरकार देती है ब्याज कि भाई हमने देर से पेमेंट की आपकी तो ये लीजिए ब्याज। फिर इनहैंस कंपनसेशन की बात करते हैं, आपने कोर्ट में केस किया कि भाई कंपनसेशन कम है, तो आपको कोर्ट ने इनहैंस कंपनसेशन दिलवाया, लेकिन सरकार इनहैंस कंपनसेशन कोर्ट ने तो अनाउंस कर दिया लेकिन सरकार ने देने में अभी 4 साल लगा दिए, तो हम फिर कोर्ट में केस करते हैं, कहते हैं भाई जो इनहैंस कंपनसेशन डिसाइड हुआ था 1 करोड़ रुपए का, वो 4 साल पहले डिसाइड हुआ था, 4 साल तक इन्होंने दिया नहीं पैसे, तो मुझे ब्याज चाहिए इसका,
तो फिर जब ब्याज आता है तो ये होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, ब्याज, इस ब्याज को कमाने के लिए आपके लिटिगेशन के खर्चे भी लगे, कोर्ट कचहरी का खर्चा लगा है तो वो घटाने को मिलता है कि नहीं, कितना मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, यहाँ पे डिटेल में बाद में बात होगी। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ऊपर का जितना शेयर प्रीमियम हम लेंगे वो हमारी इनकम होगी। ठीक है, वो कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व है, तब जाके ये बात क्लियर होती है, अच्छा इसलिए गवर्नमेंट इसे टैक्सेबल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, और शेयर प्रीमियम इस पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 90 रुपये, और शेयर कितने में बिक रहा है 100 रुपये में, 100 रुपये इज द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू इस शेयर की बनती है मान लेते हैं 85 रुपये, तो 15 रुपये कह रहा है IOS की इनकम है जो कंपनी ये पैसा पा रही है, जो कंपनी शेयर इशू कर रही है 100 रुपये में, फेयर मार्केट वैल्यू 85 रुपये है, तो 15 रुपये जो आ रहा है वो उस कंपनी की IOS की इनकम है, वो उस कंपनी की IOS की इनकम है। ठीक है, चलिए अभी बस इतना समझ लीजिए, जब जरूरत समझ जब हम पहुंचेंगे इस टॉपिक पे तो इसको समझेंगे डिटेल में। सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इफ सच सम इज फॉरफिटेड एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, यू वेरी वेल नो दिस, कि अगर आपने एक डील किया प्रॉपर्टी बेचने का और आपने कुछ एडवांस मनी रिसीव किया जिसको आपने फॉरफिट कर लिया क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, सामने वाली पार्टी ने बैलेंस पेमेंट करके रजिस्ट्री कराई नहीं प्रॉपर्टी की, तो आपने जो पैसा फॉरफिट किया है ये 1/4/14 के बाद से है, 1/4/14 के बाद से वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से बन जाता है। अगर कैपिटल एसेट के नेगोशिएशन पे आपने अमाउंट एडवांस मनी रिसीव करके फॉरफिट किया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इफ़ इट हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर 1/4/2014, अगर इसके पहले का पैसा है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से घटा दिया जाता है। ठीक है, 12th, एनी कंपनसेशन अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव बाई एनी पर्सन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू, ये ब्रैकेट वाली बात काट दीजिए। आपने एक एम्प्लॉय को रखा, ठीक है, और आपने जो ऑफर लेटर दिया था उसमें आपने दिया था कि यू विल नॉट बी टर्मिनेटिंग दिस एम्प्लॉय, ठीक है, बिफोर 3 years। जनरली कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा देता नहीं है, कोई एम्प्लॉय कभी लिख के देता है कि हम तुमको नौकरी पे से हटाएंगे नहीं 3 साल के पहले, 5 साल के पहले, क्यों लिख के देगा ऐसा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एम्प्लॉय ने ऐसे लिख के दिया था कि 3 साल के पहले हम तुमको हटाएंगे नहीं, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 3 साल के पहले हटा रहा है, तो पता है ये आपने लीगल एग्रीमेंट किया है, ऑफर लेटर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, आपने तय किया है कि 3 साल के पहले आप हटाओगे नहीं एम्प्लॉय को, और हटाओगे तो किस वजह से हटाओगे ये भी लिखा है, ऐसी कोई वजह है नहीं तो आप क्यों हटा रहे हो, तो अब वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है आपसे, कह सकता है ठीक है सर मैं हट जा रहा हूं, आप हटाना चाहते हैं लेकिन सिंस ये एग्रीमेंट हुआ था ना कि 3 साल के पहले मुझे हटना नहीं है तो ठीक है आप मुझे 50,000 रुपये पे कीजिए, तो 50,000 रुपये जो इंप्लॉयर इंप्लॉय को देगा ये उसकी कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दिया जिसमें उसने बताया कि आपकी जो सैलरी होगी वो इतना रुपया होगी, ठीक है, और इतने सालों के लिए होगी, ये फिक्स्ड है, ये किसी भी कंडीशन में कम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, मतलब ऐसा आपने लिख के दिया है। नाउ यू आर चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, जॉब टाइमिंग जो 8 घंटे थी वो आपने बढ़ा के पता है कितना कर दिया, 16 घंटे कर दी उसकी, अरे उस आपने तो बोला था 8 घंटे का इतना पैसा देंगे, अब आप 16 घंटे काम करा रहे हो और पैसा भी 20% कम कर दिए हो, ठीक है, तो इम्प्लॉय या तो छोड़ देगा नौकरी, लेकिन अगर आज भी मजबूर है कह रहा है कि नहीं भाई ठीक है हम 16 घंटे भी काम कर लेंगे, तनख्वाह भी 20% कम है तो भी ले लेंगे, हो सकता है तैयार हो ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं तैयार है, वो तैयार है तभी तो हम ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है वो तैयार है इसके लिए, लेकिन कह रहा है सर इसके लिए मुझे कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया था ना कि आप ऐसा ही करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं तो उसका कंपनसेशन दीजिए, ठीक है हम एग्रीड है, हाँ आगे से ऐसा होगा,
तो अब हमने मॉडिफाई किया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके लिए पेमेंट दी, तो वो भी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाई एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। ये टर्मिनेशन नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं है, ये टर्मिनेशन क्या किस वजह से है, ये टर्मिनेशन है बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी पेमेंट अगर हम देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो उसके हाथ में कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। चलिए, हम लोग ने सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 को कंप्लीट कर लिया है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 देखेंगे, इसमें कोई लिस्ट तो है ही नहीं कंप्लीट, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि जो भी इनकम बाकी एडमिट टैक्सेबल नहीं हुई वो टैक्सेबल हो जाती है आईयूएस में बिकॉज ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 1। विल स्टॉप हियर।